अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा की किताब से चैप्टर नंबर 18 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है इंडिया गेट। जी बिल्कुल। और ये जो चैप्टर है ये एक नज़्म यानी कि कविता है, यानी कि ये कविता जो है इंडिया गेट पर लिखा गया है। इंडिया गेट आप लोग देखे हैं ना, दिल्ली में है। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, इमेज में शो हो रहा है, यही है इंडिया गेट, जहाँ पर कई तरह के लोग, अलग अलग जगह से लोग जाते हैं इंडिया गेट को देखने के लिए। वहाँ पर जाकर तरह तरह के फ़ोटोज़ खींचते हैं, तरह तरह के सेल्फ़ी लेते हैं, तरह तरह के वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उसी इंडिया गेट के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, मतलब उसी इंडिया गेट पर एक कविता लिख दी गई है कि ये जो इंडिया गेट है उसको हमें देख कर तो फ़ख्र होता है कि हाँ चलो, इतना खूबसूरत जो इमारत है हमारे इंडिया में है, ठीक है, इतना खूबसूरत जो इंडिया गेट है वो हमारे भारत में है। लेकिन ये देखकर इंडिया गेट को दुख भी होता है, क्योंकि इस इंडिया गेट को बनाने वाला, इंडिया गेट की तामीर करने वाला, ठीक है, इंडिया गेट को किसने बनवाया था? अंग्रेज़ों ने बनवाया था। तो इंडिया गेट को बनाने वाला एक अंग्रेज़ था, और वो अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, जो हमारे हिंदुस्तान के गरीब लोग थे, उनसे ग़ुलामी करवा कर, उन पर ज़ुल्म करके ये इंडिया गेट को बनवाया था। तो एक तरह से इंडिया गेट को देख कर हम लोगों को क्या होता है, चलो फ़ख्र की बात होती है कि इतना बड़ा जो इमारत है, इतना खूबसूरत इमारत हमारे इंडिया में है। लेकिन एक तरह से दुख भी होता है कि इस इंडिया गेट को बनाने वाले जो थे हमारे हिंदुस्तान के गरीब लोग थे, जिन पर अत्याचार किया गया, जिन पर जुल्म किया गया, अंग्रेज़ों ने जुल्म किया और फिर इंडिया गेट को बनवाया, ठीक है। तो उसी इंडिया गेट के बारे में इस चैप्टर में बताई गई है, ठीक। तो हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे, एक एक लाइन में आप लोगों को पढ़कर समझाऊंगी। लेकिन इस चैप्टर के जो लेखक हैं, इस कविता, इस नज़्म के जो नज़्म निगार हैं, यानी कि इस कविता के जो कवि हैं, लिखने वाले हैं, उनके बारे में जानिए। देखिए, इस इंडिया गेट नाम के नज़्म के नज़्म निगार यानी कि लेखक वो है जगन्नाथ आज़ाद, यानी कि इस चैप्टर के मुसन्निफ़ कौन हो गए? जगन्नाथ आज़ाद। तो या इनके बारे में ज़रा जान लीजिए। जगन्नाथ आज़ाद जो हैं वो एक शायर भी थे, ठीक है, और उसके साथ साथ ये एक रिसर्चर भी थे, यानी कि रिसर्च किया करते थे, जांच पड़ताल किया करते थे। तो शायर और रिसर्चर दोनों थे। उसके साथ साथ शायरी में भी ना इन्होंने सबसे ज़्यादा गज़ल लिखा और नज़्म यानी कि कविता लिखा, सबसे ज़्यादा इन्होंने गज़ल और नज़्म लिखा है। और इनके बारे में आगे देखिए, इनकी पैदाइश की बात कर लें तो 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को ईसा खेल, जो मौजूदा पाकिस्तान के ज़िला मियाँवाली में है, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश हुई थी 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को। कहाँ पर? तो ईसा खेल नाम के जगह पर, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान के ज़िला मियाँवाली में है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, इनके वालिद यानी कि इनके पिताजी का नाम था तुलूक चंद महरूम, ठीक है, और इनके वालिद भी जो थे ना वो एक शायर थे, और यही वजह था कि इनके बेटे यानी कि जगन्नाथ आज़ाद भी एक शायर बने, मतलब जगन्नाथ आज़ाद को शायरी विरासत में मिली थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि तुलूक चंद महरूम जो है वो एक स्कूल टीचर भी थे, यानी कि शिक्षक भी थे, ठीक है, और इसीलिए जगन्नाथ आज़ाद को जो शुरुआती शिक्षा देने का काम किए थे वो तुलूक चंद महरूम यानी कि इनके पिताजी ही किए थे, क्योंकि वो खुद स्कूल टीचर थे, तो वो अपने बेटे को, जगन्नाथ आज़ाद को, शुरुआती शिक्षा पढ़ाई लिखाई वही करवाएं, ठीक है, वही खुद मतलब जगन्नाथ आज़ाद को पढ़ाई लिखाएं, शुरुआती शिक्षा वही दिए। फिर जगन्नाथ आज़ाद जो है ना वो 12 साल की उम्र में 8 क्लास का इम्तहान पास किए, 8 क्लास का, और फिर मोहन राय हिंदू हाई स्कूल मियाँवाली से मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिए। जगन्नाथ आज़ाद जब 12 साल के थे ना तो वो 8 क्लास का इम्तहान पास कर लिए, फिर उसके बाद से मोहन राय हिंदू हाई स्कूल मियाँवाली से उन्होंने मैट्रिक का भी इम्तहान पास कर लिया। और आगे बढ़िए, वालिद का तबादला रावलपिंडी होने से वहीं के DAV कॉलेज में दाखिला हुआ। देखिए, इनके वालिद जो है तुलूक चंद महरूम, इनका तबादला हो गया, ठीक है, वो अपना क्या कर दिए, जगह ईसा खेल नाम के जगह को छोड़कर रावलपिंडी चले गए। तो रावलपिंडी जाने के बाद वहीं पर जगन्नाथ आज़ाद का एडमिशन हुआ, कहाँ पर? DAV कॉलेज में, ठीक है, और जगन्नाथ आज़ाद जो है वो 1933 ईस्वी में FA का भी इम्तहान पास कर लिए, ठीक है। और आगे बढ़िए, गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA भी कर लिए, गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से जगन्नाथ आज़ाद BA भी कर लिए, और 1942 ईस्वी में वो पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी ज़ुबान व अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। फिर उसी मज़मून यानी कि वो 1942 ईस्वी में जगन्नाथ आज़ाद जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से कौन से सब्जेक्ट से? तो फारसी से, फारसी ज़ुबान व
पौदब से उन्होंने ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। फिर वो फारसी ही सब्जेक्ट लिए थे और फारसी ही सब्जेक्ट से उन्होंने 1944 ईस्वी में एमए का भी इम्तहान पास कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जगन्नाथ आज़ाद जो थे ना, वो कई जगह जाकर मुलाजमत यानी कि जॉब किए थे, लेकिन आखिर में देखिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ, आखिर में जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्हें सदर शोबे उर्दू का अहदा मिला। जम्मू यूनिवर्सिटी में एक शोबे उर्दू था यानी कि उर्दू का डिपार्टमेंट था, वहीं के वो प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, और वो प्रेसिडेंट बनकर जॉब करने लगे। तो ये लास्ट उनका जॉब था, ठीक है, भले ही वो ढेर सारी जगह जाकर जॉब किए थे, लेकिन लास्ट में वो कौन सा जॉब किए, सदर शोबे उर्दू का, यानी कि उर्दू के डिपार्टमेंट के वो प्रेसिडेंट बन गए थे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1983 तक वाबस्ता रहे, यानी कि जगन्नाथ आज़ाद जो उर्दू के डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट बने थे, वो प्रेसिडेंट 1983 तक ही बने रहे, यानी कि प्रेसिडेंट के पोस्ट पर वो 1983 तक ही जॉब किए। फिर उन्हें वहाँ का प्रोफेसर बना दिया गया, यानी कि उर्दू के डिपार्टमेंट में जो वो प्रेसिडेंट बने थे, तो प्रेसिडेंट से उन्हें हटाकर क्या बना दिया गया, प्रोफेसर बना दिया गया। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, आगे बढ़िए। जगन्नाथ आज़ाद की इंतकाल की बात कर लें तो उनकी इंतकाल यानी कि जगन्नाथ आज़ाद की मौत हुई थी 25 जुलाई 2004 ईस्वी को दिल्ली में। तो ये हो गया जगन्नाथ आज़ाद के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए मैं आप लोगों को इस इंडिया गेट नाम के नज़्म यानी कि इस कविता के एक एक लाइन को पढ़कर मैं उसका मतलब समझाती हूँ, ठीक है। तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीन शॉट। अब चलिए मैं आप लोगों को इस कविता के एक एक लाइन को पढ़कर उसका मतलब समझाती हूँ, ताकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग अच्छे तरीके से लिख कर आएँ। देखिए, शुरू शुरू में इस कविता में जो है ना, जगन्नाथ आज़ाद लिखे हैं कि इंडिया गेट की रिफत है निगाहों पे मुहित, यानी कि इंडिया गेट की जो बुलंदी ऊँचाई है वो हमारी आँखों पर छाई हुई है। इंडिया गेट वह तारीख़ का एक बाब जलील, इंडिया गेट वह अफरंग की तामीर जमील। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो इंडिया गेट है जिसकी ऊँचाई हमारे आँखों पर छाई हुई है, ये इंडिया गेट हमें उस वक्त की याद दिलाता है जब अंग्रेज़ हमारे भारत पर राज कर रहे थे और अंग्रेज़ जितने भी हिंदुस्तान के गरीब लोग थे उनको जलील किया करते थे, उन पर जुल्म किया करते थे, और ये इंडिया गेट जो है उन्हीं अफरंग यानी कि उन्हीं फिरंगियों उन्हीं अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, तामीर किया हुआ है। ये जो इंडिया गेट जो कितना खूबसूरत इमारत है ना, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, ठीक है। इंडिया गेट वो अग्यार की नुसरत का निशा, इंडिया गेट वो अपनों की ग़ुलामी की दलील। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो इंडिया गेट है वो अग्यार यानी कि अग्यार कहते हैं गैर को, ठीक है, पराया लोगों को। तो यहाँ पर पराया लोग किसको बोला जाए, गैर किसको बोला जा रहा है, अंग्रेज़ों को बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो इंडिया गेट है वो गैरों यानी कि अंग्रेज़ों की कामयाबी की निशानी है, ठीक है, और ये जो इंडिया गेट है वो हम लोगों की ग़ुलामी की दलील देता है। जब हम इस इंडिया गेट को देखते हैं ना, तो इससे हमें मतलब एक तरह से निशान दिखाई देता है अंग्रेज़ों की कामयाबी की, और हम लोगों की ये ग़ुलामी की दलील देता है कि हम लोग भी जो है हिंदुस्तान के लोग जितने भी है, वो एक वक्त था जब हम ग़ुलाम हुआ करते थे। तो ये जो इंडिया गेट है वो हमें ग़ुलामी की दलील देता है। किश्वर हिंद के जाबाज मुहबान वतन, खून से सींचने निकले हैं पैराइयों का चमन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस हिंदुस्तान के जितने भी जाबाज बहादुर लोग हैं और इस हिंदुस्तान से जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो अपने खून से पैराइयों यानी कि पराए लोगों, किसको बोला जा रहा है, पराया अंग्रेज़ों को बोला जा रहा है, तो गैरों का चमन सींचने निकले हैं, ठीक है। एक सैलाब शजाअत का बढ़ा आता है, कहीं दजले की है लहरें कहीं अमवाज जमन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक जो सैलाब बहादुरी का है वो बढ़ा आता है, जिस तरह एक नदी की मौज एक नदी की लहरें जो हैं वो बढ़ती चली आती हैं, बिल्कुल उसी तरह एक बहादुरी का सैलाब जो है वो बढ़ता चला आ रहा है। देखिए, ये कविता उस वक्त लिखी गई थी जब हमारे भारत देश को मतलब आज़ादी मिलने वाली थी, अंग्रेज़ों से छुटकारा मिलने वाला था, तब ये लिखा गया था। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि एक सैलाब शजाअत का बढ़ा आता है, यानी कि एक बहादुरी का सैलाब बढ़ा आता है। वह क्या जोश तहुर का है, अशदगनी हर कदम से है अय्या हसरत शमशीर जनी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस भारत देश के लोगों के अंदर एक अजीब सा जोश और जुनून दिखाई देता है अपने देश के लिए कुछ करने की, अपने देश को आज़ादी दिलाने की, उनके अंदर एक अजीब सा जोश और जुनून दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्या मजबूरी है जो कि हिंदुस्तान के लोग अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं? वो मजबूरी है गरीबी, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जिसके वजह से उन्हें क्या करना पड़ रहा है, ग़ुलामी करनी पड़ रही है अंग्रेज़ों की।
ठीक है। और यही वजह है कि वो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो गरीब है और गरीबी की वजह से वो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं। भूख हर शख्स को जाबाज बना देती है और अफलास रहे मंजिल हुब्बुल वतनी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भूख जो होती है ना, हर शख्स को जाबाज यानी कि बहादुर बना देती है। भूख एक ऐसी चीज़ होती है कि वक्त आने पर किसी भी इंसान को जाबाज यानी कि बहादुर भी बना देती है और वक्त आने पर किसी भी इंसान को हैवान भी बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि भूख एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को जो है ना बहादुर बना देती है, कोई भी काम करने पर मजबूर कर देती है। भूख एक ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। और अफला से रहे मंजिल हुबुल वतनी, और मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो होती है गरीबी। यहाँ पर हिंदुस्तान, भारत के जितने भी लोग हैं वो अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब आज़ादी दिलाने यानी कि अपनी मंजिल को पाने के लिए जो रास्ते में रुकावट आ रही है ना, वो है गरीबी। वो गरीब है जिसके वजह से वो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको मजबूरन अंग्रेज़ों की गुलामी करनी पड़ रही है। तो मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है, रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है ना, वो होती है गरीबी, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात की गई है। चलिए आगे बढ़िए। सामने दीदार मुश्ताक के मौजूद है क्या, जिंदगानी के ख़जाने से यह मफकूद है क्या, और जो अफलाक तेरी मंजिल मकसूद है क्या। यहाँ पर बोला जा रहा है, जगन्नाथ आज़ाद बोल रहे हैं कि मेरी जो आंखें हैं ना वो इंडिया गेट को देखना चाह रही हैं। इनफैक्ट इंडिया गेट जो है वो हमारी आंखों के सामने मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं इस इंडिया गेट को देखकर किस बात की खुशी मनाऊं? इस बात की खुशी मनाऊं कि इंडिया गेट इतना खूबसूरत इमारत जो है वो हमारे भारत देश में है, या फिर इस बात का दुख मनाऊं कि ये जो इंडिया गेट है इसको बनाने वाला अंग्रेज़ है, जो कि हमारे हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर अत्याचार कर उन पर जुल्म ढा कर उनसे ग़ुलामी करवा कर ये इंडिया गेट को बनवाया है। किस बात की खुशी मनाऊं और किस बात की मैं दुख मनाऊं? हाँ, मैं मानता हूँ कि ये जो इंडिया गेट है, ये कौन बोल रहा है, जगन्नाथ आज़ाद बोल रहे हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि ये जो इंडिया गेट है वो हमारे ज़िंदगी के ख़जाने में नायाब चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत इमारत है, लेकिन फिर भी ये जो इंडिया गेट है हमें उस वक्त की याद दिलाता है जब हमारे हिंदुस्तान के लोग ग़ुलाम थे और उन पर अत्याचार करके जो है ये इंडिया गेट को बनवाया गया था, ठीक है। इंडिया गेट की रिफत है निगाहों पर मुहित, यानी कि ये जो इंडिया गेट की बुलंदी है, ऊंचाई है, वो हमारी निगाहों पर छाई हुई है, यानी कि हमारे आँखों पर छाई हुई है। तो यहीं पर जो है ये आप लोगों का कविता कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट पूरी तरीके से। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों को अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। सब्सक्राइब कर लेने के बाद एक बेल आइकन यानी कि घंटी दिखाई देगी, उसको दबाएंगे ना तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।